हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज का जो टॉपिक है, क्या लड़के और लड़कियों को साथ में पढ़ाई करना चाहिए, साथ में एजुकेशन लेना चाहिए। इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं को एजुकेशन। व्हाट इज को एजुकेशन? को एजुकेशन क्या होता है? को एजुकेशन मींस दैट एजुकेशन वेयर बॉयज एंड गर्ल्स स्टडी टुगेदर अंडर द सेम रूफ इन सेम स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी एटसेट्रा। को एजुकेशन उसे बोलते हैं जहां लड़के और लड़कियां साथ में पढ़ाई करते हैं, एक ही छत के नीचे, एक ही स्कूल में, कॉलेज में, कोचिंग में, यूनिवर्सिटी में, उसे बोला जाता है को एजुकेशन। गाइस, ये जो को एजुकेशन है, ये हमारा कल्चर नहीं है, ये जो है वेस्टर्न कल्चर से आया है, ये हमारा कल्चर नहीं, हमने इसे अडॉप्ट किया है। समझ में आई बात को? तो ये था हमारा क्या को एजुकेशन। अब बात करते हैं, क्या हमें को एजुकेशन लेना चाहिए, क्या लड़के और लड़कियों को साथ में पढ़ना चाहिए कि नहीं चाहिए। सो पहले हम फायदे की बात करेंगे। अगर को एजुकेशन होगा, अगर लड़के लड़के साथ में पढ़ेंगे, तो ये सब फायदे हैं। सो द फर्स्ट एडवांटेज विच आई वांट टू डिस्कस बिफोर यू ऑल दैट, को एजुकेशन की मदद से हमें अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो एनी नीड टू बिल्ड द सेपरेट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर देम। हाउ? मान के चलिए लड़के और लड़कियां साथ में पढ़ रहे हैं, तो हमें वहां से एक रूम और एक टीचर की जरूरत है ना। बट बॉयज और गर्ल्स दोनों अलग अलग पढ़ रहे हैं, तो हमें दो रूम, दो टीचर की जरूरत है। इन दैट केस वी हैव टू स्पेंड मोर मनी ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, वी हैव टू स्पेंड मोर मनी ऑन टीचर, वी हैव टू हायर मोर एम्प्लॉयज, वी हैव टू गिव देम सैलरी, एंड वी हैव टू पे द रेंट ऑल्सो, एंड वी हैव टू गिव द इलेक्ट्रिसिटी बिल। डोंट यू थिंक दैट वी हैव टू स्पेंड मोर मनी इफ वी डू नॉट फॉलो को एजुकेशन? सो दिस helps us to save our money। ये हमें मदद करता है पैसे को बचाने की, क्योंकि अगर लड़के लड़के साथ में पढ़ेंगे तो एक रूम, एक टीचर, एक ही रूम का रेंट देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना पड़ेगा। अगर दोनों अलग पढ़ेंगे तो क्या होगा? दो रूम हमको रेंट पे लेना पड़ेगा, दो रूम का बिजली बिल देना पड़ेगा, और दो टीचर को हमको हायर करना पड़ेगा, उनको सैलरी देना पड़ेगा। तो क्या आपको नहीं लगता है कि ये हमारा पैसा बचाता है, सेव करता है? कमिंग टू द सेकेंड एडवांटेज, दूसरा फायदा, अगर कोई एजुकेशन लेंगे तो क्या होगा? को एजुकेशन जो है कंपटीशन बढ़ाता है बॉयज और गर्ल्स के बीच में। कैसे कंपटीशन बढ़ाता है? मान के चलिए बॉयज ग्रुप जो है क्लास में, उन्होंने बड़ा ही अच्छा स्कोर किया, मार्क्स बड़ा ही अच्छा मार्क्स लाए सारे लोग एग्जाम में, 90% 80% लाए, और गर्ल्स जो है उनको देख के वो कॉपी करेंगे। उन लोगों ने अच्छा स्कोर नहीं किया गर्ल्स लोगों ने, तो वो देख के कॉपी करेंगे कि बॉयज आर स्कोरिंग मोर देन 90%, व्हाई शुड वी नॉट स्कोर मोर देन 90%। दे विल सी एंड दे विल कॉपी दैट, एंड दे विल स्टार्ट स्टडिंग, दे विल स्टार्ट फोकसिंग ऑन देयर सब्जेक्ट, ऑन देयर एग्जाम। सो डोंट यू थिंक दैट इट हेल्प्स टू इंक्रीज कॉम्पिटिशन अमंग बॉयज एंड गर्ल्स? ये हेल्प करता है उनको कॉम्पिटिशन बढ़ाने में। वो देख के एक दूसरे को पढ़ेंगे, वो लड़का है जो 90% ला रहा है, वो लड़की है जो 90% ला रही है, हम भी पढ़ेंगे, हम लोग भी आगे बढ़ेंगे, लड़के आगे बढ़ रहे हैं, लड़कियां आगे बढ़ रही, हम लड़के भी आगे बढ़ेंगे, हम लड़कियां भी आगे बढ़ेंगे। तो ये चीज उनको मदद करेगा और ज्यादा पढ़ने के लिए, कॉम्पिटिशन बढ़ेगा और उससे वो और ध्यान देंगे अपनी पढ़ाई में। तो ये है हमारे फायदे। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एडवांटेज की ओर, फायदे की ओर, ठीक है ना। सो गाइस, ये जो है मदद करता है टीम वर्क में। को एजुकेशन हेल्प करता है टीम वर्क बनाने में। टीम वर्क कैसे मदद करेगा? मान के चलिए कोई प्रोजेक्ट पे काम करना है, कोई प्रोजेक्ट में वर्क करना है, तो क्या होगा कि बॉयज और गर्ल्स जो है दोनों साथ में कोई प्रोजेक्ट पे वर्क कर सकते हैं। कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना है, कोई कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करना है, तो वहां पर टीम वर्क, एक टीम की तरह मदद करके मिलके वो लोग काम को करेंगे और वो काम बढ़िया होगा, बेहतर होगा। बोलते ना एक इंग्लिश में प्रोवर्ब है, द मोर द मेरियर, जितने ज्यादा लोग उतना बढ़िया, उतना मजा, ठीक है ना। तो ये फायदे हैं उनके, वो लोग साथ में मिलकर टीम वर्क एक होगा और दोनों लोग जो है मिलकर सारे लोग को काम अच्छे से करेंगे और बेहतरीन तरीके से करेंगे। नेक्स्ट एडवांटेज जो है को एजुकेशन की मदद से, थाउट शेयरिंग होता है, नॉलेज पावर बढ़ता है। नॉलेज पावर कैसे बढ़ता है को एजुकेशन की मदद से? गाइस, आप लोग जानते हैं हमारे बड़े लोग बोलते हैं कि 10 लोगों से मिला करो, बात किया करो। क्यों? क्योंकि आप 10 लोग से मिलोगे तो आपको 10 तरीके के पॉइंट आएंगे, ओपिनियन आएंगे, नॉलेज बढ़ेगा। सो यही आपको हेल्प करेगा। मान के चलिए बॉयज सिर्फ ग्रुप पढ़ रहे हैं, अगर गर्ल्स भी साथ में पढ़ रही हैं, तो हम कोई कोई होती है जो तेज होती है, उनके पास नया नया ओपिनियन रहता है, थाउट रहता है। सो वो अगर कुछ ओपिनियन देंगी, अपना नॉलेज शेयर करेंगी, तो हमें नॉलेज मिलेगा, हमें नया नया ओपिनियन सीखने को मिलेगा, नया चीज सीखने को मिलेगा। तो ये फायदा है कि शेयरिंग ऑफ थाउट, शेयरिंग ऑफ नॉलेज, दे विल स्प्रेड अवेयरनेस ऑल्सो, दे विल हेल्प देम ईच अदर टू गेट मोर नॉलेज, टू बी अवेयर ऑफ ऑल दोस थिंग्स, टू बिकम मोर नॉलेजेबल। तो ये मदद करता है उनको। समझ में आई बात को? नेक्स्ट एडवांटेज जो फायदे हैं, गाइस, मदद करता है जेंडर इक्वालिटी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए मदद करता है।
गर्ल्स जो है वो सेफ फील करेंगी बॉयज के सामने, वो कंधे से कंधे मिला के चलेंगी, वो डरेगी नहीं। क्यों? क्योंकि वो सामने वो शुरू से फेस करना सीख जाएंगी लड़कों के साथ, वो पढ़ पढ़ के वो सारा अपना जो हेजिटेशन को रिमूव कर लेंगी, दे विल गेन कॉन्फिडेंस और वो इस सोसाइटी से नजर मिला सकेंगी और आगे बढ़ सकेंगी, वो डर डर के नहीं जिएंगी। समझ में आ रही बात को? तो ये उन्हें मदद करता है। नेक्स्ट एडवांटेज, नेक्स्ट फायदे की ओर बढ़ते हैं। क्या फायदा होगा? मान के चलिए अब जान रहे हैं आप, आपके टीचर आपके पेरेंट्स हर वक्त आपके साथ नहीं हो सकते हैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आपको कुछ प्रॉब्लम है, आपके टीचर कोई काम होता होगा, पेरेंट्स को काम रहेगा, वो बिजी कभी कभी रहते हैं तो आपको सॉल्व नहीं कर सकते उस दौरान। मान के चलिए आपके क्लास टीचर नहीं आए, एब्सेंट है, आपके टीचर नहीं आए, एब्सेंट है और आपको कोई प्रॉब्लम है, तो क्या हो सकता है? अगर कोई बॉयज को दिक्कत है तो गर्ल से वो पूछ सकते हैं, क्योंकि अगर दो जेंडर है तो अलग अलग तरीके का ओपिनियन रहेगा, नॉलेज रहेगा, 10 तरीके के दिमाग रहेंगे वहां पे। तो वहां पे बॉयज को दिक्कत है तो गर्ल से पूछ के सॉल्व कर सकते हैं दूसरे को प्रॉब्लम। अगर गर्ल्स को दिक्कत है तो बॉयज से पूछ सकते हैं कि हाँ मेरे को इस मैथ में सॉल्यूशन है, इसका ट्रांसलेशन नहीं आ रहा, इसमें मेरे को पूछना है, इंग्लिश में ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो दूसरे से पूछ के वो अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी वहां पे। तो ये उनको मदद करता है इन सभी चीज में आगे बढ़ने के लिए। एज यू नो दैट एवरी क्वाइन हैज टू साइड्स, positive as well as negative. Now coming to that disadvantage, demerit of co-education. अब नुकसान क्या है co-education का? नुकसान क्या है? पहला बात guys कि co-education है, boys और girls साथ में पढ़ रहे हैं तो दोनों जो opposite gender है एक दूसरे के प्रति attract होंगे। आपने हर वक्त देखा होगा, बहुत बार सुने होंगे आप कि जो बॉयज है गर्ल के कारण सुसाइड कर लिया, गर्ल जो है बॉय के कारण सुसाइड कर ली। ये केस होता है क्यों? बिकॉज ऑफ को एजुकेशन इट इज हैपनिंग, दे गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय अपोजिट जेंडर। बॉयज है जो डिस्ट्रैक्ट होगा, वो पढ़ाई में उसे ध्यान नहीं लगेगा, उसे लव केयर अफेक्शन ये सब होता है, फीलिंग वी हैव एक्सपीरियंस इट, वी आर मैच्योर। ये मैं फैक्ट बात कर रहा हूं, आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा गाइस कि ऐसा होता है, एक दूसरे के प्रति फीलिंग जाग जाती है, लव जाग जाती है और पढ़ाई से हमारा ध्यान भटक जाता है, हम यही सब चीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये नहीं लगता है कि हमारे करियर बनाने का टाइम हम ये सब करने लगते हैं, तो क्या है, हमें ये भटकाता है, डिस्ट्रैक्ट करता है पढ़ाई पे, से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं हम अपने पढ़ाई पे। नेक्स्ट डिसएडवांटेज जो है हमारा गाइस, बिकॉज ऑफ को एजुकेशन गर्ल्स आर फेसिंग टू मच। रियली आई एम टेलिंग यू, आपने सुना होगा बहुत बार कि इस स्कूल में लड़कियों के साथ छेड़छाड़ का केस हुआ, इस कॉलेज में लड़कियों के साथ छेड़छाड़ हुआ। क्यों? क्योंकि को एजुकेशन की मदद से आप जानते हो कि लड़के जो हैं दे पास ल्यूड कमेंट्स, भद्दे कमेंट वो पास करते हैं, गंदी गंदी कमेंट पास करते हैं लड़कियों पर, और वहां पे टीचर्स भी बहुत बार सुने होंगे टीचर ने जो है मोलेस्ट किया, छेड़छाड़ किया, लड़की के साथ गलत व्यवहार किया। तो स्पेशली गर्ल्स जो है फेस करती है, इनका शिकार होती है को एजुकेशन के कारण। अगर वो सेपरेट सिर्फ गर्ल्स कॉलेज गर्ल्स स्कूल में सिर्फ पढ़ रही है, वहां सिर्फ फीमेल स्टाफ है, उनको ये सब प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा, वो स्कूल में सेफ है। रियली बोल रहा हूं, गर्ल्स आर सेफ। अब आते हैं सबसे पहले हमारे रिलीजन के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं और कल्चर के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है, ठीक है ना। अब गाइज हम जान रहे हैं कि हमारे इस्लाम रिलीजन में और आपके हिंदू रिलीजन में भी ना ही कुरान में ये बोला गया है, ना ही भगवद गीता में बोला गया है कि लड़के लड़कियों को साथ में नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि लड़कियों के लिए ज्यादा हमने परहेजी की है, क्योंकि वो जो है एक कीमती चीज है लड़कियां, वो बहुत नाजुक चीज है, उन्हें हमें संभाल के रखना चाहिए, उन्हें बेपर्दा नहीं करना चाहिए, सबके सामने नहीं आना चाहिए। समझ में? मैंने एग्जांपल दिया था कि होली बुक को हम कवर करके रखते हैं, संभाल के रखते हैं, क्योंकि वो स्पेशल है, और वो बुक्स न्यूज़पेपर क्या है वो स्पेशल नहीं है, इसलिए हम उसको जैसे तैसे रखते हैं। लड़कियां कभी सेम है, उनको सबके सामने नहीं आना चाहिए, स्पेशली अपने बाप बेटा भाई इनके सिवा, अपने हस्बैंड इनके सिवा किसी गैर मर्द के सामने नहीं आना चाहिए। ये रिलीजन कहता है, ये सही बात है। औरत का एक खूबसूरत क्या है, खूबसूरती का मतलब क्या, सबको दिखाना। खूबसूरत का मतलब कि सबको नहीं दिखाना। आज कोहिनूर हीरा क्या सब कोई देख रहा है? किसी खास लोग के पास ही है, क्योंकि वो खास है। तो वही बात, लड़कियां भी बहुत खास है। समझ में आ रही बात को? और हमारा कल्चर क्या पहले था? पहले ऐसा नहीं था, लड़के लड़के साथ में नहीं पढ़ती थी। ये तो हमने यूरोपियन कल्चर, हमने वेस्टर्न कल्चर को अपना लिया। क्या है हमारा, हमारे कल्चर को प्रमोट करना चाहिए, अलग अलग दोनों साथ में, दोनों अलग अलग पढ़े,
हमारा कल्चर पहले क्या था, लड़के को अलग पढ़ाया जाता था, लड़कियां को घर में पढ़ाया जाता था, अलग पढ़ाया जाता था। ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि उनको एजुकेशन नहीं देना चाहिए, देना चाहिए, दे हैव ऑल राइट, बट नॉट बिफोर बॉयज, ये बात कहना, ताकि वो सेफ रहे, ताकि उन पे खतरा ना आए। गाइस मैं ये ऐसा नहीं, आप लोगों को लगता हो कि सर का मेंटालिटी बहुत चीप है, सर ऐसे बोलते हैं, नहीं मैं इसलिए बोलता हूं रिलीजन के पर्सपेक्टिव से, हमारा इस्लाम भी यही कहता है, क्योंकि हमारा इस्लाम इसलिए रोकता है औरतों को इतना, क्योंकि उनको जानता है अगर उनको ज्यादा छूट दिया जाएगा, फ्रीडम दिया जाएगा, तो उनके साथ और गलत हो सकता है। बात यहां पे ये, अब जान रहे हैं कि हमारा माशरा कितना खराब है, कितना माहौल आजकल खराब चल रहा है, इसलिए चाहते हैं कि लड़कियां जितना सेफ अपने बचा के रखे, ये ना बोले कि दे हैव टू चेंज मेंटालिटी, रियली आई एम टेलिंग यू दे आर नेवर गोइंग टू चेंज देयर मेंटालिटी। सो हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, अपने बचाव के लिए हमें कुछ स्टेप लेना चाहिए, समझ में आ रही बात को। सो ये सब नहीं होना चाहिए, आई डोंट लाइक दिस ऑल दोस थिंग्स, समझ में आई। वी हैव टू फॉलो आवर रिलीजन, वी हैव टू फॉलो आवर कल्चर, इंडियन कल्चर, ठीक है। सो इन लास्ट आई वुड लाइक टू से दैट कंक्लूजन, इसका इस्तेमाल हमें गलत तरीके से नहीं करना चाहिए। दिस इज द टाइम फॉर बॉयज एंड गर्ल्स टू मेक देयर करियर, टू नरिश देयर फ्यूचर, नॉट टू स्पॉइल देयर करियर। डू नॉट मिस यूज को एजुकेशन, प्रॉब्लम हो, कुछ दिक्कत हो तो हेल्प लीजिए, मदद लीजिए, कॉम्पिटिशन बढ़ाइए, बट गलत काम में नहीं, कॉन्सेंट्रेशन को नहीं भटकाइए, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए, क्योंकि एक बार टाइम चला जाएगा दोबारा नहीं आएगा, आपका बहुत ही जो समय है बहुत कीमती है। Yes guys, so मैं होप करता हूं कि आपको क्लियर हुआ होगा सारा पॉइंट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूले, सभी के साथ शेयर करें, इस मैसेज को पहुंचाएं सभी तक, ताकि सबको मैसेज मिले, ताकि सबको नॉलेज मिले। और गाइस सब्सक्राइब करना ना भूले, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर से करें, ठीक है। तब तक के लिए दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, जय हिंद एवरीवन।